परफेक्ट रीज़न हूँ। मैंने 7 डेज चैलेंज के हवाले से बात करनी थी कि मैंने इसमें क्या सीखा। जो सबसे पहली बात है वो मैंने थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हालात आ जाए, बट डेली टाइमिंग देनी है, अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना किसी भी जो मर्जी हालात आ जाए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैम हीना ने बहुत अच्छे से सिखाई है, और इसका मैम जल्दी ने इंस्टा प्लस व्हाट्सएप और अपनी गोल की सेटिंग के बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं ना सकते। यहाँ पे जब हमें पता ही नहीं होगा, हमारे पास ये चीज़ें नहीं होगी कि हमने किस रास्ते पर क्या चीज़ अचीव करनी है, हमारे पास वो चीज़ होगी तो हम कैसे करेंगे, तो हम मेहनत फिर किस चीज़ के ऊपर करेंगे। ऐसे तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि हमारी जितना मर्जी पेचक आ जाए, जो मर्जी आ जाए, बट हमारा जब तक गोल नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ अचीव करनी है, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को उनके लिए अचीव करनी है, वो मेन चीज़ गोल सेटिंग होगी, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे स्टूडेंट है। और देन इसके बाद कि हमें पे किए बगैर, हमने सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम में वन टाइम टू से सीखा हुआ है और हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, जो भी सब कुछ, कैनवा, लिंक्डइन, हर चीज़ हमें सिखाई गई है, हर चीज़ सिखाई गई है, बिल्कुल कुछ पे किए बगैर। इन इस पावर की टीम अल्हम्दुलिल्लाह से ये कोई और टीम नहीं, कहीं नहीं देखा ऐसा सिस्टम कि हम लोगों को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताया गया इस चीज़। अस्सलाम वालेकुम अपिया, कैसी हैं आप? होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा अपिया, मैंने जो इन 7 डेज चैलेंज में सीखा, बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले तो ये सीखा कि मैं ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करूं, एंड मैंने बहुत सी ऑब्जेक्शंस हैंडल की हैं और मैंने उनको अच्छे से जवाब दिए हैं ताकि वो मेरी बात समझे। और उन अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ओके मैम, 7 डे चैलेंज हमारे जो चैलेंज है, मैंने ये लर्न करा, मैंने अपनी टीम को भी लाइक मेक श्योर करा, उनको मोटिवेट करा, उनसे नोट्स बनवाए, सारे उनसे टास्क कंप्लीट करवाए। दैट के फर्स्ट पॉइंट के लाइक यू हैव टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, कि आपकी बात शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, सामने वाले बंदे को एक्जैक्टली सुन के समझ में आ जाए आपकी बात। सेकंड थिंग इज दैट कि आपने इजी वर्ड्स लाइक अच्छी वोकैबुलरी हो, बट इजी हो कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंडली लाइक यूज ऑफ सोशल मीडिया, किस तरह से आपने जनरेशन करनी है थ्रू लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने जो इन 7 डेज चैलेंज में जो सीखा है, आई लर्न अलॉट ऑफ द थिंग्स, बट मेन थिंग्स मैंने ये सीखी है कि हम लोगों ने अपना बिजनेस कैसे लेके चलना है, यानी किस तरह बात करनी है, हम लोगों ने किस तरह कौन सा वर्ड किस टाइम पे यूज़ करना है, प्रॉस्पेक्ट को हमने किस तरह डील करना है। आई नो कि पहले जो हमारी ट्रेनिंग हुई, आई लर्न अलॉट ऑफ द थिंग्स, मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। बट जो ये 7 डेज चैलेंज है ना, इसमें जो पहले जो जिन चीज़ों में जो कमी कर रहे थे, या कोई आगे मेरी टीम में किसी चीज़ में कमी आ रही थी, तो मैं उनको भी आगे इस इन 7 डेज के थ्रू जो है ना, वो आगे गाइड कर सकूँ। मेरी ऑब्जेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम मैम, होप सो डूइंग वेल। ओके मैम, आपकी जो 7 डेज़ की ट्रेनिंग थी उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। काफ़ी सारी जो है वो हमारी जहाँ जहाँ मिस्टेक होती थी वो हमने कवर अप की है। हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमें जिस तरीके से हम पर्सन को फुल ऑन डिटेल्स दे देते थे, वो अब समझ आया कि हर किसी को सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 7 डेज चैलेंज टू मैनेजर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत चीज़ें लर्न करने को मिली हैं जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी इन माय बिजनेस, एंड हेल्पफुल हैं ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इन्विटेशन कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये चीज़ें हमने लर्न की हैं 7 डेज के चैलेंज में। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इन्विटेशन होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी क्लोजिंग भी जाएगी। हमने मार्केटिंग प्लान सीखा है, हाउ ब्यूटीफुल आवर मार्केटिंग प्लान इज, दैट बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया हमारे 7 डेज के चैलेंज में। हमने लिंक्डइन ऐप यूज़ करके कितनी क्वालिटी लीड्स, कितनी प्रोफेशनल लीड्स हम जनरेट कर सकते हैं, मैंने इन डेज में सीखा है। आई डोंट नो बिफोर कि मुझे कैसे लिंक्डइन यूज़ करना था, क्या करना था, बट आई एम नाउ यूजिंग लिंक्डइन। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? अच्छा मैम, 7 डेज़ का जो चैलेंज था, मैंने अपनी टीम से भी फीडबैक लिया, क्योंकि 14 मेंबर्स थे मेरे जो कि 7 डेज़ चैलेंज में थे, इंक्लूडिंग मी। और नो डाउट जो इसकी मीटिंग है और जो ट्रेनिंग के एक एक पॉइंट्स पे जो न्यू कमर्स थे, उनका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज कि उन्होंने सारी ट्रेनिंग ली। अच्छा, एक लड़की का बहुत अच्छा, एक सादिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, मरियम ने दिया, कि उनको जो समझ जो नहीं आ रहा था, जो एक महीना लग रहा था, वो एक वीक में उन्होंने सीख लिया। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको टास्क दिए जाते हैं और जब इसकी इंप्लीमेंट होती है, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि जो इनकी वर्किंग स्किल्स है वो इंप्रूव्ड हुई हैं, और साथ में अब माशाल्लाह सारे लोग नो डाउट के बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये वाला मंथ जो है वो जो